हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस्टर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके असुस मैक्स प्रो M1 में यदि इसमें कोई भी ईयरफोन आप अगर कनेक्ट करते हो और वो अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिल्कुल यहां पर मैं बारीकी से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहां पर वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों हम यहां पर बिना किसी तरीके से अपना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे सामने है Asus Max Pro M1 का यहां पर मदरबोर्ड। और दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको यदि इसमें ईयरफोन लोगो की प्रॉब्लम आए तो उसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, उसको मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आपको यह भी बता दूं कि अगर इसमें आपके ईयरफोन कनेक्ट नहीं होता है तो वो कौन से लाइन में किसी को डाउट रहता है किस लाइन की वजह से प्रॉब्लम आता है तो भी मैं आपको बताऊं। दोस्तों देखो, अगर आपका इसमें कोई सा भी ईयरफोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके ईयरफोन जैक को अच्छे से ब्रश से आप क्लीन कीजिए, थिनर से अच्छे से साफ कीजिए। और उसके बाद भी अगर वर्क नहीं करता है तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज करने से पहले जो इसके अंदर एक लाइन होती है जिसको हम डिडक्शन की लाइन कहते हैं, मैं इसको डी से लिखता हूं, मतलब डिडक्शन की लाइन। हमारे मोबाइल में जो जब ईयरफोन कनेक्ट होता है तो उसका सिग्नल उस डिडक्शन लाइन से हमारे मोबाइल तक जाता है, उसके बाद मोबाइल को पता चलता है कि इसमें ईयरफोन कनेक्ट हो गई है। इसलिए दोस्तों वो लाइन का हमें ट्रेस करना ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्लीन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें देख सकते हैं ये हमारा ईयरफोन जैक है। इसमें जो ये वाला पॉइंट है ये तो होता है हमारा ईयरफोन का माइक वाला पॉइंट, और उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है वो है लेफ्ट साइड का। ठीक है, हमारे ईयरफोन में जो लेफ्ट साइड का स्पीकर है उसका सिग्नल हमारे इस वाले पॉइंट से आता है, और उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है हमारा राइट साइड का है, मतलब हमारे ईयरफोन में जो राइट साइड का स्पीकर बजता है वो हमारे इसमें इस वाली लाइन में आता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो आप ये वाली लाइन देख रहे हो इस लाइन को कहते हैं डिडक्शन की लाइन, मतलब ये हमारे जो डिडक्ट करती है वो हमारे इस वाली लाइन से सिग्नल जाता है। तो आपको अच्छे से क्लीन करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इस वाली लाइन पर आपको ग्राउंड रीडिंग चेक करनी है कि यहाँ पर आपको ग्राउंड रीडिंग प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर दोस्तों ग्राउंड रीडिंग नहीं मिल रही है, पहले मैं इसके वेज को बता देता हूँ, उसके बाद में इसकी प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बारे में बताऊँगा कि ग्राउंड रीडिंग नहीं मिल रही है तो क्या करना है, अगर बीप मिल रही है तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले देखो ये वाली लाइन ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये एक रजिस्टर यहाँ लगा रहता है, इस रजिस्टर के अंदर जाती है, उसके बाद ये रजिस्टर सीरीज़ के अंदर रहता है, इसमें यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले कैपेसिटर के अंदर जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले कैपेसिटर में जाते हैं, इस कैपेसिटर से वापस यहाँ पर एक NC पॉइंट है, इस NC पॉइंट में आ रही है, उसके बाद इस रजिस्टर के इस वाले पॉइंट पे जा रही है, उसके बाद इस वाले पॉइंट्स पे जा रही है, और इस वाले पॉइंट से हमारे जो कनेक्टर से इधर से जब आप काउंट करोगे तो 6 नंबर पिन पर हमारे यहाँ पर इसकी ये डिडक्शन की लाइन आ रही है। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे जो मेन कनेक्टर है हमारा मेन बोर्ड का, उसके इधर से जब काउंट करोगे तो 6 नंबर पिन पर यहाँ पर इसकी ये डिडक्शन की लाइन आती है, और उसके बाद यहाँ से सीधा हमारे इस पावर IC के अंदर जाती है। ठीक है, अब हमने वेज तो समझ लिया कि इसका जो कंप्लीट वेज है वो किस तरीके से है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका इसमें कनेक्ट नहीं होता है तो क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस डिडक्शन लाइन में ग्राउंड रीडिंग चेक करनी है, मतलब इसको कंप्लीट अपने मोबाइल से कनेक्ट करके रखें, बैटरी को निकाल दें, उसके बाद मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेट करें, फिर रेड प्रोब को यहाँ पर इस वाले शील्ड पे भी रख सकते हो, माइनस पे रखना आपको, ठीक है, इस वाले शील्ड पे रख सकते हो, और उसके बाद इसके ब्लैक वाले प्रोब से आपको यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर आपको रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर रीडिंग नहीं मिलती है तो इसके ऊपर यहाँ पर ये वाला जो रजिस्टर है उसके इस वाले पॉइंट पर चेक कीजिए, अगर आपको यहाँ पर भी रीडिंग नहीं मिलती है तो उसके इस वाले पॉइंट पर चेक कीजिए, अगर आपको यहाँ पर रीडिंग मिल रही है तो आप यहाँ पर जंपर कर दो, आपकी प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको अगर बीप मिल रही है, ठीक है, बीप मिल रही है, तो फिर आपको इस वाले कैपेसिटर को एक बार हटा कर देखना है, क्योंकि इसका एक सिरा ग्राउंड से कनेक्ट होता है माइनस से, इसलिए इसके शॉर्ट होने की वजह से बीप आ सकती है। अगर इसको हटाने के बाद भी अगर बीप आती है तो फिर आपको स्टेप बाय फिजिकली चेक करना होता है कि आपको यहाँ पर ये वाला पॉइंट कहीं ग्राउंड से शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पर कनेक्टर पर कुछ ग्राउंड से शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, और उसके बाद में इन कनेक्टर को फिर वापस इस कनेक्टर को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, वो आपको फिजिकल देखना पड़ता है। इस तरीके से दोस्तों हमारी
इस डिडक्शन लाइन से ईयरफोन कनेक्ट नहीं होती है, तो मैंने आपको बता दिया और समझा भी दिया है कि अगर आपको उसके बाद दोस्तों अगर आपको देखो यहाँ पर भी रीडिंग नहीं मिल रही इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर भी रीडिंग नहीं मिल रही है, तो फाइनली आपको यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर भी चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर आपको रीडिंग मिल रही है तो आप यहाँ से लेकर डायरेक्ट अपने यहाँ पर जंपर भी कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों इसमें अगर ईयरफोन कनेक्ट नहीं होता है तो आप इस प्रॉब्लम को आसानी से और सिंपल तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों जो वीडियो मैंने आप वीडियो में आपको बताया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों इसी तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।